अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सभी फ्रेंड्स को वेलकम करता हूँ आप ही के यूट्यूब चैनल मेक मनी ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रिपल कॉइन का एनालिसिस देखेंगे कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस रिपल कॉइन और कितना डाउन आ सकता है। एक्चुअली ये वीडियो मुझे 3 दिन पहले बनाना था क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि आपको एग्जिट कहाँ पर लेना है, पर गाइस वही सेम प्रॉब्लम है टाइम का और टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए माफ़ी चाहूँगा लेट हो गया। लेकिन फिलहाल मैं बताऊँगा कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस की मदद से फिलहाल रिपल कॉइन को हम कितना और डाउन देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। साथ में फ्रेंड्स, हमने टेक्निकल एनालिसिस का फ्री सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पर आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलता है। तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप टेक्निकल एनालिसिस का पूरा सीरीज देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास टेलीग्राम चैनल भी है, पेड और फ्री दोनों चैनल हम यूज़ करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ज्वाइन आप कर सकते हो, सारा डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो अभी डायरेक्टली मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हम अवेलेबल है ट्रेडिंग वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पर हम एग्जैक्टली लिख देंगे XRP BTC, ठीक है। XRP BTC का भी हमको देखना है, माफ़ी चाहूँगा दोबारा अपोलोजाइज मांगता हूँ आप सभी से, क्योंकि ये अगर मेरा वीडियो पहले बन जाता तो शायद बहुत से लोग अभी रिपल से एग्जिट ले पाते, ठीक है। अभी जो रिपल का सिचुएशन यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एग्जैक्टली जिस तरह का ये फेल हुआ है, हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न क्रिएट हुआ जो कि बुलिश पैटर्न है और वो कंफर्म हो चुका है। एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर, उसके पहले बताना चाहूँगा चार्ट का सेटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो XRP BTC है 4 आर का, मैं जैसे बता रहा हूँ जनरली 4 आर का ही मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, सॉरी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको नहीं देखना है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो पैटर्न है ये एग्जैक्टली पैटर्न ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। अब ये कैसा होगा यार, ये भी फिलहाल हमारा पैटर्न अभी तक नहीं हुआ है हेड एंड शोल्डर का, बट कोई मसला नहीं है, सून हम उस चीज को भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये लेफ्ट शोल्डर होता है, एग्जैक्टली एक परफेक्ट हेड एंड शोल्डर यहाँ पर क्रिएट हुआ था, बट मसला फिर एक ही हुआ है कि मैंने लेट कर दिया वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि चेक कर रहे थे ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फिलहाल ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं इसके अपर रेजिस्टेंट की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसके अपर रेजिस्टेंट की बात करता हूँ, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि या इस परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसके अपर रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, रजिस्ट्रेशन लेवल की बात करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 22,000 सतोशी का यहाँ पर रजिस्ट्रेंट लेवल था। और अगर मैं इस पैटर्न के ब्रेकआउट फेल होने की बात करता हूँ गाइस, तो यहाँ पर ये पैटर्न ब्रेकआउट फेल हो रहा था, बिकॉज इसका जो राइट शोल्डर था, अगर इसके अबव जाता इसका मार्केट, तो यहाँ पर जो क्या कहेंगे इसको, मतलब जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो जाता और मार्केट सीधा अप ट्रेंड में चला जाता, बट वो नहीं हुआ है। और आप जैसे कि देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लेबल लगा चुका हूँ इस प्राइस के ऊपर, और इस प्राइस का भी लेबल लगा देता हूँ। थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समझने के लिए आपको आसानी होगा कि एग्जैक्टली फिलहाल जो ट्रेंड था वो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सीधा सीधा जो ट्रेंड है वो है बियरिश ट्रेंड, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा, आप अगर यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हुआ था, ये इसका अपर रेजिस्टेंट था, ये इसका नॉर्मल रेजिस्टेंट था, जहाँ पर ये पैटर्न ब्रेकआउट अगर होता तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की स्थिति में होता, ऑलमोस्ट 18,000 डॉलर, सॉरी सतोशी नॉट डॉलर, 18,000 सतोशी का यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अगर ब्रेक करना था, अगर वो फेल होना था तो यहाँ पर इसको ब्रेकआउट हो जरूर करता, बट उसने ब्रेकआउट नहीं किया है। मार्केट इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कंप्लीट करते हुए अराउंड हमारा नीचे का जो सपोर्ट था हेड एंड शोल्डर का वो यहाँ पर था 14,000 सतोशी पर, जो कि उसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी हम एग्जैक्टली देख लेंगे कि मार्केट यहाँ पर कितना डाउन जाएगा। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ AB = CD पैटर्न, जो कि कंफर्म बताएंगा कि मार्केट कितना डाउन यहाँ से जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेम एज इट इज 67% ठीक है। अब अगर देख रहे हो तो यहाँ पर हमको मिल चुका है एग्जैक्टली मार्केट कितना डाउन आएगा, तो ये इसका टारगेट है बियरिश टारगेट, ठीक है। यानी रिपल को हम देख सकते हैं 4,600 सतोशी के आसपास, मे बी इसके
नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कुछ पॉइंट का डिफरेंट हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एज पर टेक्निकल एस्पेक्ट की ओर से, हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न अगर ब्रेकआउट होता है, और अगर मैं इसको मैं इसके अंदर ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न फिट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे जो रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है वो आपके सामने है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि यहाँ से जब मार्केट ट्रेंड टूट जाता है, जब बियरिश कन्फर्मेशन हो जाता है, ये बियरिश कन्फर्मेशन यहाँ पर था 14,000 सतोशी पर, ऑलमोस्ट ये ट्रेंड यहाँ पर टूट चुका भी है, देख सकते हो नीचे मार्केट इसके भी नीचे है, तो ये कन्फर्मेशन है अभी यहाँ पर कि मार्केट टोटली बियरिश रहेगा, मार्केट का अभी डाउन ट्रेंड में जाएगा। और मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, तो यहाँ पर उसको ऑलमोस्ट एग्जांपल है 4,000 सतोशी के आसपास तक नीचे मार्केट आ सकता है। एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा, इसमें भी पॉइंट का फर्क हो सकता है, लेकिन 4,000 सतोशी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर सकता है अगर वो ए बी इज इक्वल टू सी डी पैटर्न को फॉलो करता है। तो अगर इस ट्रेंड को रोकना है तो इसके लिए एक ही चीज़ है, क्या भाई इसको एक पावरफुल क्या कहेंगे, इसको पंप चाहिए, तभी ये पैटर्न टूट सकता है। इवन अगर ये फिर से 18,000 सतोशी के ऊपर जाएगा तो मे बी ये ट्रेंड टूट पाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि 18,000 सतोशी के वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ना ही इसका कोई इवेंट अवेलेबल, ना ही कोई फंडामेंटल न्यूज़ आ रहा है, और ना ही ऐसे कोई फिलहाल कोई न्यूज़ है जो कि जिससे लगे कि हाँ ये मार्केट फिर से पंप करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये काफ़ी पंप कर चुका था पिछली बार, इसके ज़्यादा इसने पंप किया है मे बी, तो अभी ये टोटली डाउन ट्रेंड यहाँ पर शो कर रहा है। तो मैं इसमें आपको ये राय तो नहीं दे पाऊंगा कि आप यहाँ पर एग्जिट ले लो, लेकिन एज पर टेक्निकल ने से जो चार्ट शो कर रहा है मार्केट कितना डाउन ट्रेंड में आ सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लास्ट टाइम कहाँ पर था वो आपके सामने मैंने शेयर कर दिया हूँ। बाकी अगर आपको एंट्री या एग्जिट लेना है तो अपनी ओन रिसर्च पर, अपनी ओन टेस्टिंग पर ले सकते हो, क्योंकि गाइस लॉस भी आपका ही होता है, प्रॉफिट भी आपका ही होता है। आपको अगर प्रॉफिट होता है मेजर है तो आप कभी उसको शेयर नहीं करते हो, तो लॉस भी मेरे साथ शेयर ना कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली एक रिपल कॉइन का हमको एनालिसिस देखना था, यहाँ पर आपके सामने सब कुछ ए टू जेड डिटेल मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। और जैसे कि कल के वीडियो मैंने BTC का एनालिसिस बताया था, तो ऑलमोस्ट वो पैटर्न उसी तरह फॉलो करेंगे। ऑलमोस्ट सपोर्ट लाइन को दो बार उसने बाउंस खाया है, जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो सपोर्ट लाइन था उसको दो बार बाउंस खाया। और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करता हूँ तो अभी उसको बाउंस करना बाकी है, बट खैर वो अलग बात है, अगर जिस किसी को जानना है तो मेरा कल का वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्मेशन है कि रिपल ने यहाँ पर बियरिश ट्रेंड कन्फर्म कर दिया है, और मार्केट को हम अगर हम ये बोलते हैं कि मार्केट कितना डाउन आएगा तो 4,000 सतोशी तक आ सकता है। इस ट्रेंड को फेल करने के लिए एक ही चीज़ अवेलेबल है, वो होता है एक पावरफुल पंपिंग ही कहूँगा उसको मैं, क्योंकि बिना पंप के कुछ नहीं हो पाएगा। अगर कोई बड़े बड़े वेल्स या फिर खुद डेवलपर अगर इसको पंप करना चाहे तो उसको पंप करके निकल सकते हैं। दो चीज़ें गाइस, इस रिपल कॉइन इतना तेज़ी से पंप हो गया वापस डंप की ओर, सबसे पहली चीज़ गाइस ये एक सेंट्रलाइज कॉइन है, ये कि जो कि बैंकिंग और इंस्टीट्यूशन के लिए बनाया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, तो इसमें ये चीज़ तो है, उन्होंने उनका पैसा बना दिया है, वो मार्केट से निकल चुके हैं, ठीक है। एक बात तो ये कन्फर्म मुझे समझ में आ रही है, तो इसके लिए जहाँ तक मुझे कोई फिलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है इस कॉइन से वापस उठने के लिए, लेकिन बोल नहीं सकते मार्केट कभी भी कुछ भी मूवमेंट ले सकता है, क्योंकि आने वाले टाइम पर जापान शायद तारीख मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं उस पर कन्फर्म कर दूंगा, क्योंकि जापान में कोई एक्सचेंज न्यू लिस्टेड हो रहा है, वहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइट कॉइन और कुछ और भी कॉइन्स हैं जो कि लिस्टेड होने वाले, तो पॉसिबिलिटीज वहाँ पर हो सकता है ये कॉइन पंप का है। याद रखिए इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था हेड एंड शोल्डर को ब्रेकआउट करने के लिए, फेल करने के लिए, वो था 18,000 सतोशी का। और अगर इसको मैं बात करता हूँ बियरिश कन्फर्मेशन का, तो ऑलमोस्ट 14,000 सतोशी का बियरिश कन्फर्मेशन का इसका लेवल था, लेकिन वो भी तोड़ चुका, आप देख सकते हो कैंडल से उसके डाउन में आ चुके हैं। करंट प्राइस 12,400 सतोशी चल रहा है। अगर मैं इसके सपोर्ट लास्ट ड्रॉपआउट की बात करता हूँ कितना डाउन मार्केट आ सकता है, तो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 4,000 सतोशी तक उसके ऊपर नीचे हो सकता है, 4,300 हो सकता है, 500 हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है। तो ये इसका मेजर सपोर्ट है, तो जो लोगों ने बाय नहीं किया है तो उनको तो फिलहाल यही बोलूंगा कि देखिए बाय अगर करना है तो ये पैटर्न आपके सामने है, सारा टेक्निकल एस्पेक्ट आपके सामने है, फिर भी अगर आप करना चाह रहे हो तो अपनी मर्जी से कर सकते हो। और अगर आप सेल करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है मार्केट में, तो उनको भी शायद इस टेक्निकल एस्पेक्ट की ओर से कुछ ना कुछ समझ में आ चुका हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा होगा, इसमें कोई यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही आपको एग्जिट पॉइंट का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बस मैं अपनी ओर से अपनी राय आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस में सीखा हूँ वही आपके सामने मैं रखकर बता रहा हूँ कि अभी रिपल कहा जा सकता है। ये श्योर नहीं है कि इसी पैटर्न को वो फॉलो करेगा, क्योंकि गाइस टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, जो हिस्ट्री प्रीवियस रिपीट हो चुका है उसी हिस्ट्री को हम टेक्निकल एनालिसिस की मदद से
देखते हैं, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट होता है और वही चीज़ यहाँ पर होने की क्या कहेंगे उसको आशंका है, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है अगर इस वही ए बी सी डी पैटर्न को फॉलो करता है तो। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि अपनी ओर से कोई कॉइन रिकमेंडेशन करें जिसका मैं एनालिसिस करके बताऊँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स अवेलेबल, वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। भले मैं किसी का रिप्लाई नहीं देता हूँ, लेकिन जो सिमिलर कमेंट्स होंगे, जो एक ही कॉइन को ज़्यादा बार कोई कमेंट करेगा, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उसकी अगली वीडियो बनाऊँ और आपको एक्जैक्टली बता पाऊँ कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, या फिर मार्केट साइड वे में रन होगा। सो इसके लिए आपको सिंपल सा वर्क करना है, वीडियो को लाइक करना है और फेसबुक पे ग्रुप्स में शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना अपने चैनल को, ताकि वो भी सीख सके एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस किस तरह किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।